सो हे गाइस, टाइम हो चुका है 8:43। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल। मैं गांव पे छोड़ने जा रहा है सैटरडे को। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। और दरअसल क्या है दोस्तों, आज है सैटरडे, वर्क फ्रॉम होम है मेरा। और दिव्या ने आज मुझे उठा दिया सुबह सुबह कि यार बहुत अभी कहीं ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा है, मामला पेचीदा है, तुम मुझे उठो और फटाफट छोड़ के आओ। तो मैं फिलहाल उठ गया हूँ। मैंने रात को उसे कह दिया था कि कोशिश कर लेना, अगर मूड बन गया तो मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। तो फिर मेरा मूड बन ही गया, मैंने कहा चलो तुम्हें छोड़ाता हूँ। मौसम भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठंडा ठंडास है एक तो बाहर, और धूप वगैरह भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। तो अभी फिलहाल मैं छोड़ के आ जाता हूँ सुबह सुबह इसको। फिर मेरा भी ऑफिस है, अपने बैठ के बहुत सारा काम है, आज काम करूँगा। और अभी जाते हैं फटाक से मोटर ब्लॉगिंग करते हैं थोड़ी थोड़ी रास्ते में, उसके बाद अपना आके जो कल वाला ब्लॉग था उसको एडिट करेंगे, उसमें भी अभी टाइम लगेगा। और एक ब्लॉग ऑलरेडी बन चुका है जो कि मैं अभी जैसी लाइट आएगी, वाईफाई चलेगा तब मैं उसे अपलोड कर दूंगा, तो वो देखने को मिल जाएगा आपको ना। और यहाँ पर अगर बात करें मैगी की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हड़ाया है, रात भर परेशान करते रहते हैं, कभी इधर भौंक कभी उधर भौंक। ये बड़ा वाला कुत्ता, ये बड़ा वाला। अभी तो इतने आराम से बैठा है ना, ये पूरी रात भाई ऐसा जीना दुखी करा इन्होंने। और ऊपर से लाइट नहीं आ रही बहुत देर से, यार ये बड़ी मुसीबत है। तो फिलहाल मोटी तैयार है? तैयार मोटू, चले? ओके। तो दोस्तों सुबह के 8:56 पे अपन छूट चुके हैं ऑफिस के लिए, मतलब अपन मतलब मैं नहीं, मैं तो फिलहाल जा रहा हूँ दिव्या जी को छोड़ने के लिए। और मौसम भाई अद्भुत, आई होप आप लोगों को बढ़िया व्यू आ रहा होगा। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बारिश हुई है। देखो रोड पे पूरा रोड एकदम ऐसा कर रहा है किसी ने बर्फ वो कर रखा हो, पानी का छपाका नहीं मारते, तो ये ऊपर वाले की तरफ से पानी का छपाका है। और ये देखो हमारे घर से निकलते कितना मस्त व्यू है यार, देख रहे हो? और ये व्यू हमारे बहुत काम आता है जब भी हमारे यहाँ पर ठीक ठाक से बारिश हो जाए ना, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ठंडक हो जाती है। और ये भाई देखो सुबह सुबह शायद से पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो पंचर हो गया है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके का व्यू है, दोनों ही तरफ गहरी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, और बीच में अपन चलते हुए ठंडक में। ओए मोटू मज़ा आ रहा है ना? तो फटाफट से निकलते हैं, मोटू जी को छोड़ते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, है ना? तब तक आप भी इंजॉय करो और नज़ारे बताओ कैसे लग रहे हैं। टाटा मोटू। तो फटाफट मोटू को छोड़ दिया गया है ऑफिस। अबे ये VLC एक्सीडेंट हो जाता अभी। तो दोस्तों वैसे बहुत दिनों पहले मैंने सोची थी ये बात कि कभी अगर जल्दी मौका लगेगा आने का इस तरफ, तो मैं यहाँ कबूतरों को खाना ज़रूर खिलाऊंगा। और खुशकिस्मती से आज देखो मैं ऐसे टाइम पर हूँ जब मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब तो घर जाके बस काम करना है, उसमें भी टाइम है मेरे पास आराम से 45 मिनट। तो आज हम खरीद सकते हैं यहाँ से। कितने की है एक प्लेट? 20 की है, 50 की है, 100 की है। अलग अलग है। 20 की कौन सी है? हाँ बाजरा 20 का है, तो 20 वाला बाजरा वाला दे दो फिर। दाल सीधा 100 रुपये? नहीं नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, पूछने में कहा जाता है अंकल जी। लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, भी लेता हूँ पैसे। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद तो दोस्तों फाइनली मौका लग गया है कबूतरों को दाना डालने का। इस तरफ से सभी डालते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा साइड में जाके वहाँ से डालता हूँ। देखो पानी वानी भी रखा हुआ है लोगों ने। शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मतलब सच बताऊँ ना
परिंदों को, एनिमल्स को, या जो भी यार इंसान हो, मतलब किसी की हेल्प करना है या किसी के लिए कुछ करना है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है भाई। और ये सब, ये तो मैं बहुत दिनों से प्लानिंग में था कि यार मैं मतलब कबूतरों को दाना खिलाऊंगा, और ये देखो आज फाइनली ऊपर वाले ने दे दिया मौका, सुन ली मेरी बात। और ये काम भी यार ऐसा नहीं है कि आपने चाहा तो हो गया भाई, इसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ है कि टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को किसी को भी। या अभी फ़िलहाल वाइड एंगल के साथ शूट हो रहा है, नॉर्मल एंगल से भी कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये देखो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 9:21, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर लाइक कभी आपको थोड़ा समय मिले तो आप लोग भी ये सब काम कर सकते हैं, है ना, अलग ही सुकून मिलता है इन कामों में। फटाफट अब डाल देता हूँ मैं, डाल डूल के निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब हो गया वक्त यहाँ से छूटने का, दिव्या जी को तो छोड़ ही दिया था पहले ही, और अपना जो मेन हमारा काम था बहुत दिनों से जो हमारे लाइनअप में था वो भी कंप्लीट कर लिया है, कबूतरों को दाना भी खिला दिया है अंकल जी से लेकर के। तो बहुत आसान सा था, 10-20 रुपये का अपना दाना लो खिला दिया।